जय माँ काली, सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजभूषण मिश्र। हम सब का जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। भविष्य में क्या छिपा है, आने वाले समय में दुखों की धूप है या सुख की छाँव, ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन भाग्य की रेखाएँ भी कर्म के पथ होकर गुजरती है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भविष्य का सटीक आकलन किया जा सकता है और इसके अनुसार उचित उपाय कर जीवन की दशा और दिशा बदली जा सकती है। इसलिए हम हर सप्ताह लेकर आते हैं 7 दिन के सितारे, जिसमें हम करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की भविष्यवाणी। तो आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह में गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह वृष राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य कर्क राशि एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। केतु पूरे सप्ताह कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। शनि ग्रह पूरे सप्ताह कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। राहु पूरे सप्ताह मीन राशि में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि एवं मकर राशि में भ्रमण करेंगे। मेष राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। केतु पूरे सप्ताह छठे भाव में भ्रमण करेंगे। शनि ग्रह पूरे सप्ताह एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। राहु पूरे सप्ताह द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव एवं दशम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर मेष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त मेष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पुराने पैसे की रिकवरी हो सकती है। गारमेंट्स एवं ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त बाद विवाह से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। मन को पूजा पाठ में लगाना चाहिए। 15, 16 एवं 17 अगस्त जरूरी मीटिंग कर सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। यात्रा का परिणाम सुखद मिलेगा। 18 अगस्त ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। नौकरी आपको मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। मेष राशि वाले अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। वृष राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे। सूर्य तृतीय भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। केतु पूरे सप्ताह पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। शनि ग्रह पूरे सप्ताह दशम भाव में भ्रमण करेंगे। राहु पूरे सप्ताह एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं नवम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर वृष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त वृष राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए। 13 एवं 14 अगस्त पुराने पैसे की रिकवरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा। संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा। मुकदमों में आपको जीत मिल सकती है। 15, 16 एवं 17 अगस्त निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। मन को पूजा पाठ में लगाना चाहिए। किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 18 अगस्त मोटा धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। व्यापारी को कोई बड़ी डील मिल सकती है। कमीशन एजेंट को बड़ा लाभ हो सकता है। व्यापारिक यात्रा में सफलता मिलेगी। कानून एवं खनन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। वृष राशि वाले अगर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। मिथुन राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में सूर्य द्वितीय भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर तृतीय भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। केतु पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे।
शनि ग्रह पूरे सप्ताह नवम भाव में भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह दशम भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे, चंद्रमा पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव एवं अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर मिथुन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है, विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, विद्यार्थी को मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है, संतान की अभिलाषा पूरी होगी, रियल एस्टेट एवं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा समय है। 13 एवं 14 अगस्त बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। 15, 16 एवं 17 अगस्त जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, शिक्षा एवं लेखन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वाले अगर गणेश जी को लाल फूल चढ़ाते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। कर्क राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में सूर्य प्रथम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे, शनि ग्रह पूरे सप्ताह अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह नवम भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह एकादश भाव में भ्रमण करेंगे, चंद्रमा चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव एवं सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त कर्क राशि वालों को खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट एवं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त अचानक धन लाभ हो सकता है, विद्यार्थी को परीक्षा का परिणाम सुखद मिलेगा, संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है, गारमेंट्स एवं ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जरूरी मीटिंग कर सकते हैं, भाग्यवर्धक दिन है। 15, 16 एवं 17 अगस्त बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए, बेकार की भाग दौड़ से बचना चाहिए। 18 अगस्त दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखना चाहिए, पुरानी चल रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा, संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा। कर्क राशि वाले अगर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। सिंह राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, शनि ग्रह पूरे सप्ताह सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह दशम भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य द्वादश भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर प्रथम भाव में चले जाएंगे, चंद्रमा तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव एवं छठे भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर सिंह राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त सिंह राशि वालों को यात्रा का परिणाम सुखद मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कोई बहुप्रतीक्षित काम आपका बन सकता है। 13 एवं 14 अगस्त खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, वस्त्र एवं आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं, मेडिसिन एवं रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 15, 16 एवं 17 अगस्त धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा में 19 से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे, शिक्षा एवं लेखन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। 18 अगस्त स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वाले अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। कन्या राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में केतु पूरे सप्ताह प्रथम भाव भ्रमण करेंगे, शनि ग्रह पूरे सप्ताह छठे भाव भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह सप्तम भाव भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह दशम भाव भ्रमण करेंगे, सूर्य एकादश भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर द्वादश भाव में चले जाएंगे, चंद्रमा द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर कन्या राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त कन्या राशि वालों को धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे,
रिश्तेदारों से चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा, संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा, मुकदमों में आपको जीत मिल सकती है, रियल एस्टेट एवं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा का परिणाम सुखद मिलेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। 15, 16 एवं 17 अगस्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। मीडिया एवं फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त मोटा धन लाभ हो सकता है, जरूरी मीटिंग कर सकते हैं। फिल्म एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, विद्यार्थी को मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है। कन्या राशि वाले अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। तुला राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में शनि ग्रह पूरे सप्ताह पंचम भाव भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह छठे भाव भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह अष्टम भाव भ्रमण करेंगे, सूर्य दशम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर एकादश भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह एकादश भाव भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह द्वादश भाव भ्रमण करेंगे, चंद्रमा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव एवं चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त तुला राशि वालों को मोटा धन लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जरूरी मीटिंग कर सकते हैं, बॉस की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है, व्यापारी को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कमीशन एजेंट को बड़ा लाभ हो सकता है। मीडिया एवं फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त किसी रिश्तेदार के घर आप जा सकते हैं, संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा, कानूनी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। रियल एस्टेट एवं खेल के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 15, 16 एवं 17 अगस्त लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा के दरमियान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, कोई बहुप्रतीक्षित काम आपका बन सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कानून एवं खनन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। तुला राशि वाले अगर शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ाते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। वृश्चिक राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में शनि ग्रह पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह पंचम भाव भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह सप्तम भाव भ्रमण करेंगे, सूर्य नवम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर दशम भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह दशम भाव भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह एकादश भाव भ्रमण करेंगे, चंद्रमा द्वादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त वृश्चिक राशि वालों को बेकार की भाग दौड़ से बचना चाहिए, पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 13 एवं 14 अगस्त अचानक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, व्यापारी को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कमीशन एजेंट को बड़ा लाभ हो सकता है, मनचाही जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है। 15, 16 एवं 17 अगस्त रिश्तेदारों की आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट एवं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। धनु राशि 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में शनि ग्रह पूरे सप्ताह तृतीय भाव भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह छठे भाव भ्रमण करेंगे, सूर्य अष्टम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर नवम भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह नवम भाव भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह दशम भाव भ्रमण करेंगे, चंद्रमा एकादश भाव, द्वादश भाव, प्रथम भाव एवं द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर धनु राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त धनु राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है, विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, विद्यार्थी को मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है,
संतान की अभिलाषा पूरी होगी। फिल्म एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 15, 16 एवं 17 अगस्त, धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, शेयर मार्केट में आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, मन चाही जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपके काम की सराहना की जा सकती है, वेतन में आपकी वृद्धि हो सकती है। मीडिया एवं फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त, रिश्तेदारों से चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा, संपत्ति में चल रहा विवाद समाप्त होगा, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, कानून एवं खनन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। धनु राशि वाले अगर शिवलिंग पर केला चढ़ाते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। मकर राशि, 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में शनि ग्रह पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य सप्तम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह नवम भाव में भ्रमण करेंगे, चंद्रमा दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव एवं प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर मकर राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त, मकर राशि वालों को नई नौकरी मिल सकती है, करियर में परिवर्तन करने का उचित समय है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। 13 एवं 14 अगस्त, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, विद्यार्थी को मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है, शिक्षा एवं लेखन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 15, 16 एवं 17 अगस्त, पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, बेकार की भाग दौड़ से बचना चाहिए। 18 अगस्त, धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, वेतन में आपकी वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है। मकर राशि वाले अगर शिवलिंग पर सम्मी का पत्ता चढ़ाते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। कुंभ राशि, 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में शनि ग्रह पूरे सप्ताह प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे, राहु पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य छठे भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर सप्तम भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, चंद्रमा नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव एवं द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त, कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है, व्यापारी को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कमीशन एजेंट को बड़ा लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 13 एवं 14 अगस्त, ट्रांसफर आपका हो सकता है, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, मन चाही जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, रियल एस्टेट एवं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 15, 16 एवं 17 अगस्त, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, संतान की अभिलाषा पूरी होगी, शिक्षा एवं लेखन के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 18 अगस्त, बेकार की भागदौड़ से बचना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, पैसा उधार लेने या देने से बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। मीन राशि, 12 अगस्त से 18 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में राहु पूरे सप्ताह प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे, गुरु एवं मंगल पूरे सप्ताह तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य पंचम भाव एवं 16 अगस्त की शाम 7:53 पर छठे भाव में चले जाएंगे। बुध एवं शुक्र पूरे सप्ताह छठे भाव में भ्रमण करेंगे, केतु पूरे सप्ताह सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, शनि ग्रह पूरे सप्ताह द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे, चंद्रमा अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव एवं एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। मैं इसी के आधार पर मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। 12 अगस्त, मीन राशि वालों को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, मन को पूजा पाठ में लगाकर रखना चाहिए। 13 एवं 14 अगस्त, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट में आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जरूरी मीटिंग कर सकते हैं, भाग वर्धक दिन है, व्यापारी को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कमीशन एजेंट को बड़ा लाभ हो सकता है। 15, 16 एवं 17 अगस्त, ट्रांसफर आपका हो सकता है,
नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, कोई बहुप्रतीक्षित काम आपका बन सकता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। 18 अगस्त धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, शेयर मार्केट में आपकी शेयर की कीमत बढ़ सकती है, संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है, परीक्षा का परिणाम सुखद मिलेगा, फिल्म एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। मीन राशि वाले अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। जय माँ काली। तो इसी के साथ हमारा ये खास सफ़र यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर। जय माँ काली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।